जन्मदिन हो तो प्रधानमंत्री मोदी जैसा, अब आप कहेंगे इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है जन्मदिन हो तो प्रधानमंत्री मोदी जैसा। बहुत बड़ी सौगात मिली है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। जन्मदिन की शुभकामनाएं मोदी जी। अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। देश भर में लाखों लोगों को उनके सपनों का घर दिया है। घर मिल जाए, सोचिए, पक्का मकान मिल जाए, चाबी मिल जाए और कोई कह दे जाइए आज से आपको घर मिल रहा है, कितनी बड़ी खुशखबरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर जन्मदिन हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा है। और क्या क्या मिला है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों को, क्या क्या मिला है, कितने लोगों को आशियाना मिल गया है, कितने लोगों को छत मिल गई है, कितने लोगों को नया मकान मिला है, सब कुछ जाना है। तो चलिए अब खबर की शुरुआत कर देते हैं। जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 14 राज्यों के 26 लाख लाभार्थियों को उनके घरों की चाबियां सौंपी हैं। इसके अलावा करीब 10 लाख लाभार्थियों को मदद राशि की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। 3180 करोड़ रुपए की पहली किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है, सीधे। मध्य प्रदेश में 50,000 लोगों को सरकार ने गृह प्रवेश कराया है, कितने, 50,000। वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री आवास बहुत बड़ा मुद्दा था, इसलिए छत्तीसगढ़ में 1,60,000 से ज्यादा लोगों को घर की चाबी सौंप दी गई है, मतलब चाबी दे दी गई है। अपना घर हो, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों को पक्की छत मिल जाए, सोचिए इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। ये दो तस्वीरें देख लीजिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीर दिखा रहा हूं। एक साथ 26 लाख लोगों को घर मिला है, अपनी छत मिली। आपके पास कम पैसा हो या ज्यादा पैसा हो, गृह प्रवेश हमेशा ही चेहरे पर खुशी लाती है, इसलिए आज आपकी खुशी में शामिल होने आपका अपना चैनल भी पहुंचा। अपनी छत मिलने के बाद लोग कितने खुश हैं ये भी विस्तार से बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। भिंड और ग्वालियर की तस्वीर देखिए। भिंड में करीब 6 लोगों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौंपी गई है। लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं, अपना घर मिल गया है, अब पक्की छत के नीचे रहेंगे। ग्वालियर में भी प्रधानमंत्री आवास के तहत घर मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी है। जिस कच्चे मकान में पानी टपकता था, लोगों को काफी तकलीफ होती थी, वहां अब लोगों को पक्का मकान मिल गया। कितने खुश हैं लोग, क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश से, आइए रिपोर्ट देख लीजिए, आप खुद समझिए। दिखाइए भाई, मध्य प्रदेश में 51,000 परिवारों को चाबी सौंपी है। 1 BHK का फ्लैट है, देख सकते हैं किचन है, इस आवास की आप देख सकते हैं कि बालकनी है, यहाँ पर टाइल्स लगाई गई है पूरे तरीके से, यहाँ पर जो फेसिंग का काम है वो लगातार चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बाथरूम है, इसके अलावा टॉयलेट है। मेरे जीवन का बहुत बड़ा सपना आज पूरा हुआ है। मैं अपने जीवन में कभी अपना खुद का घर बनाने की सोच भी नहीं सकता था, जो कि आज मुझे मोदी जी के सौजन्य से मिला हुआ है। जब से बन गया तब से तो बहुत खुशी नहीं, हम तो 15 साल रहे खुले में। बहुत बधाई आप लोगों को आपके नए घर के लिए। मध्य प्रदेश के बाद अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 1,60,000 लोगों को पक्का मकान मिला है, बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और मैं आपसे कह रहा हूं, विधानसभा चुनाव में ये वादा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने हर मंच से किया था। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा एजेंडा था कि जैसे ही सरकार बनेगी गरीबों को पक्का मकान देंगे, उनको उनकी छत देंगे। सबसे पहले एक खूबसूरत तस्वीर देखिए, रायपुर के इंडोर स्टेडियम की तस्वीर है। पीएम आवास के लाभार्थियों को यहां सिर्फ घर की चाबी नहीं मिली है भाई साहब, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लाभार्थियों के पैर धोकर अभिनंदन किया है। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने हर चुनावी रैली में पक्का घर देने का वादा किया था, जैसा कि मैं आपको खबर की शुरुआत से बता रहा हूं। और 10 महीने के अंदर ही सरकार ने 1,60,000 लोगों को पक्का मकान दे दिया और यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ने ही वाला है। घर मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में लोग कितने खुश हैं, मध्य प्रदेश के लोगों की खुशी आपने देख ली, छत्तीसगढ़ के लोगों की खुशी नहीं देखना चाहते, मैं दिखाऊंगा। दिखाइए भाई छत्तीसगढ़ के लोग क्या कह रहे हैं। ऊपर से पानी गिरे तो एकदम चूहे सूते बस फेंके, ठिकाना नहीं रहा, अब बहुत खुशी से हवन। बहुत खुश लग
अब छंछले रहते, अब नहीं छुआ है। बहुत अच्छा है और बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने सक्षम नहीं होता कि अब तक तो हम किराए के गली गली में ठोकरे खाते थे, हर महीने किरायेदार का बढ़ाना, कभी बिजली बिल बढ़ाना, कभी कुछ, कभी कुछ बिना बताए, वो सब चीज़ों से झंझट से छुटकारा मिल गया। खुशहाली से रहेंगे सर, अपना मकान होगा तो खुशहाली से रहेंगे। मुख्यमंत्री आपके पैर धोएं और आपको कहें ये चाबी ले लो, आपका घर है। कह रहे हैं अब तक तो हम किराए के मकान में रहते थे, अब पक्के मकान में रहेंगे। सरकार की ऐसी खबरें इतनी तारीफ करके दिखाने का मन होता है, इतनी तारीफ करके दिखाने का मन होता है, क्योंकि हम आपका अपना चैनल है ना। जब आपकी खुशी में शामिल होने का मौका मिलता है तो हम सब प्रफुल्लित हो जाते हैं। विस्तार न्यूज का एक एक सदस्य, पूरा प्रबंधन, पूरी टीम खुश हो जाती है। बताइए यार, किसी के चेहरे पर मुस्कान आई है, कोई खुश हुआ है। और प्राइम टाइम में ऐसी खबरों को जगह देते हैं सिर्फ इसीलिए कि आप खुश हैं, क्योंकि चैनल आपका है, आपसे जुड़ी खबर है और हमारे लिए सर्वोपरि सिर्फ और सिर्फ आप हैं। हमारे सहयोगी आरंग भी पहुंचे थे, आरंग में भी लोगों को घर मिला तो चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। विस्तार न्यूज भी इस खुशी में शामिल होने पहुंचा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। आरंग में हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी आपकी खुशी में शामिल होने पहुंचे। दुख हो सुख हो, सहयोगी मेरा जरूर पहुंचेगा। कैसा घर है, लोग क्या कह रहे हैं, सुनना चाहते हैं, सुना दीजिए भाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवास को सौंपा है। हमारे साथ लाभार्थी भी हैं जिनको ये आवास मिला है। घर जो है वो पूरा बनकर तैयार हो गया है। पहले हम लोग कच्चे मकान में रहते थे तो बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत आती थी। अब बढ़िया से रह सकते हैं, बच्चों को पढ़ा लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री हम लोग धन्यवाद करते हैं कि हम लोग का आवास मिला। फैमिली भी बहुत बड़ी है कि रहने का दिक्कत हो रहा था, और पानी जब बरसात बारिश वारिश होता था तो ऊपर से पानी टपकते थे। मैं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को सही दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत तकलीफ थी, भर जाता था घर पानी से, अभी ठीक ठाक है। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है, पूरे देश में 32 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं। 32 लाख आवास में से 5 लाख 11 हजार आवास सिर्फ छत्तीसगढ़ को मिले हैं, यानी कि 30% आवास सिर्फ छत्तीसगढ़ के खाते में आए हैं। इन घरों को बनाने के लिए 2044 करोड़ रुपए पैसे जारी किए गए हैं। 1,66,832 लोगों का घर बनकर तैयार हो गया, मतलब आज छत्तीसगढ़ में करीब 7 लाख जरूरतमंद लोगों को पक्के मकान का सपना पूरा हो गया। अच्छी खबर थी इसलिए विस्तार से बता दी और विस्तार से सुना दिया।